वर्ड जब हम एक रीडिंग करते हैं तो हम एक अकेले सिंबल को नहीं देखते हैं, उसके आसपास के सिंबल को भी देखते हैं, जो कि आपको इन कोर्स ऑफ टाइम पूरा बताया जाएगा और इसकी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी जिससे कि आप इसे रीड कर सके। रूल्स को हम इसलिए यूज करते हैं कि करंट एनर्जी क्या है एक इंसान की वो जान सके। अगर वो जिस कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो कर रहा है उसके आउटकम्स क्या होंगे वो जान सके, क्योंकि देखिए भविष्य किसी ने देखा नहीं है और वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ आपके हाथ में आपका कर्म है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि जो कर्म आप अभी कर रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तो आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन बदल सकते हो। आप गाइडेंस लेके इन चीजों को कभी भी बदल सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमें रून से मिलती है। अगर आपका कोई येस और नो क्वेश्चन होता है तो उसके लिए हम रून से इंस्टेंट आंसर्स ले सकते हैं। रून्स एक डिविनेशन टूल है, इसको गलत मत समझिएगा। कई लोग बहुत सारे सवाल लेकर आते, क्योंकि कोई भी नई चीज आती है तो हम उससे थोड़ा सा घबराते हैं। इसमें घबराने वाली कोई चीज नहीं है। रून्स के सिंबल्स डिविनेशन टूल है, अगर आप इसका इतिहास जानेंगे तो आप समझेंगे। जैसे पुराने समय में क्या होता था कि इंसान को यही नहीं पता था कि ईश्वर कैसे दिखते हैं, भगवान कौन है। तो वो क्या करते थे, उनको जिस चीज पे कंट्रोल नहीं होता था उसके वो सिंबल बनाते थे और उसकी पूजा करते थे। जिसमें आप ये देखिए कि जैसे अग्नि है, अग्नि पे कंट्रोल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अग्नि का एक सिंबल बनाया, एक कलर रखा जो उन्होंने देखा। उसी प्रकार से बारिश तो जल तत्व, उसी प्रकार से वायु वायु तत्व, तो हर किसी को सिंबॉलिक लैंग्वेज में डिनोट किया। यही सेम चीज वेस्टर्न कल्चर में भी हुई। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो कल्चर सेम रहे, बस वो देखने का नजरिया और उसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज थोड़ी सी बदल गई। तो उन्होंने भी यही चीज फॉलो करते हुए इसके सिंबल्स बनाए और इन सिंबल्स में उस एनर्जी को विजुअलाइज किया। हम जब ये रून्स अपने पास रखते हैं तो हम उन एनर्जीज को महसूस करते हैं, उन्हें अब्सॉर्ब करते हैं और उन एनर्जीज के बेसिस पे हम इन्हें पढ़ते भी हैं। अब जैसे आपके पास जब रून्स हो, जिनके पास है तो वो भी कर सकते हैं इसे। लोग इसकी एनर्जी से खुद को कनेक्ट करने के लिए इसे अपने तकिए पे रखकर सोते हैं, तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, ताकि वो एनर्जीज कनेक्ट हो सके। अगर आप वैसा भी नहीं कर सकते, देखिए बहुत सिंपल है, मैंने तो अभी बाउल में डाला था, मैं रीडिंग कर रही थी। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका पाउच आता है, बहुत छोटे से पाउच में ये फिट हो जाता है। आप पाउच में इसे डाल के अपने सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र के ऊपर रखकर आप इसे लेट सकते हैं। जैसे आप रिलैक्स कर रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं, उस दौरान भी आप अपने रून्स को अपने हाथों के बीच में रख सकते हैं। आप अपने मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र पे रख सकते हैं, क्योंकि वो आपका एनर्जी सेंटर है, तो वहां से वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता जाएगा। मैम, रूम्स रीडिंग में जैसे हम लोग टैरो कार्ड्स का रीडिंग करते हैं तो ये वैसे ही रीडिंग में हमारी हेल्प करते हैं या सॉल्यूशंस में हेल्प करते हैं? ये एक्चुअली दोनों चीजों में करते हैं, बिकॉज होता क्या है, कई बारी हम टैरो कैरी नहीं कर पाते, कितना सामान कैसे कैरी करें, थोड़ा सा बल्की हो जाता है। रूम्स क्या है, बहुत ही वो कॉम्पैक्ट साइज है, तो इसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं। मोरोवर होता क्या है, जब हम रीडिंग करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रही हूँ। आज अगर मैं आपके सामने सिर्फ टैरो रखकर बैठूं, क्योंकि मैं एग्जिबिशंस में खुद भी जाती थी किसी टाइम पे, तो जब आप सिर्फ टैरो रख के बैठते हैं ना तो लोग आते हैं, एक नजर देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आप टैरो रखिए, आप साइड में रून्स रखिए, आप दो तीन फैंसी क्रिस्टल्स रखिए और आप देखिए कि आपके पास लोग ऐसे आएंगे कि, बिकॉज होता क्या है, लोगों को आज कल वैरायटी चाहिए, और जैसे जैसे ये टेक्निक स्प्रेड हो रही है तो लोग और जानना चाहते हैं।
टैरो का क्या है, आजकल आप देखते होंगे लाइव सेशंस होते हैं, फ्री लाइव स्ट्रीमिंग होती है, यस मैम, है ना, उसमें वो लोग बस ये बोलते हैं कि आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको टैग मिल गया तो हम आपकी रीडिंग करेंगे। अब उसमें रीडिंग क्या हो रही है कि आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, उस मैसेज के थ्रू वो एक दो कार्ड्स निकाल रहे हैं एंड देन वो फटाफट डाल रहे हैं। देखो इन डेप्थ रीडिंग में किसी की भी लेते हैं, आज मैं भी लेती हूँ, मेरे को कम से कम एक घंटा लगता है एक रीडिंग करने, और उस रीडिंग में मैं कई बारी रूम्स का सपोर्ट लेती हूँ, क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करती है। जैसे टैरो कार्ड्स का मैं स्प्रेड लगाती हूँ, तो अगर मेरे को कोई एनर्जी अच्छी नहीं लगती है तो उसको वेरीफाई करने के लिए मैं रूम्स का सपोर्ट लेती हूँ। कि दोनों से अगर सेम आंसर मिलता है तो इट मींस वो चीज बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि जो आपके सामने आपके क्लाइंट बैठे हैं वो पूरी पिक्चर रिवील नहीं करते, और ये आजकल मैक्सिमम केसेस में हो रहा है, चाहे आप प्रॉपर्टी का ले ले, चाहे आप ये मैरिज में रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं उनका ले ले, तो उसमें क्या होता है कि पूरा सच हमें भी नहीं पता है, हमें विश्वास करना होता है उन पे जो हमारे सामने बैठे हैं, तो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं तो रूम्स का सपोर्ट लेती हूँ। मैम जैसे इसमें रूम्स में मैं कल मार्केट में गई थी तो देख के आई थी, उस पर ग्रीन कलर पे था, एक पिंक कलर में था और एक एक है ना ब्राउन कलर टाइगर आई वाला है ना क्रिस्टल, उसके हाँ। भी तो फिर कौन सा यूज करना चाहिए हमको इसमें? देखिए आप जिस क्रिस्टल से बेस्ट कनेक्ट होते हो आप वो ले अगर आपको लगता है आप रोज क्वार्ट्ज से कनेक्ट होते हो आप रोज क्वार्ट्ज ले ले पिंक वाला, अगर आपको ग्रीन एवेंचुरी अट्रैक्ट कर रहा है आप ग्रीन कलर ले ले। जैसे मेरे को फर्स्ट टाइम जिनसे मैंने सीखा था तो उन्होंने मेरे को ये वाले रूम्स भेजे थे व्हाइट, तो व्हाइट कलर के हैं। हाँ मैम, हाँ ये व्हाइट कलर के ये उन्होंने ही भेजे थे मुझे जिनसे सीखा था मैंने। फिर उसके बाद जब मैंने इस पे और काम करना शुरू किया तो उसके बाद क्योंकि मुझे एमेथिस्ट बहुत अट्रैक्ट करता था तो मैंने एक सेट एमेथिस्ट का खरीदा रूम्स का, फिर एक मैंने वुडन भी खरीदा क्योंकि वुडन इतना छोटा सा पाउच है और वो मेरे लिए ट्रैवल करते हुए ना आसान हो जाता है कैरी करना।